नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं दो रंग का एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लाए हूँ, जिसे आप किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में या बच्चों के स्वेटर में आप डाल सकते हैं। इसे बनाने के लिए 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 1 फंदा एक्स्ट्रा। डिज़ाइन बनाने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। यहाँ पे आपको प्रतिदिन एक नया डिज़ाइन देखने को मिलेगा, और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारे डिज़ाइन देखने के लिए आप मेरे पुराने वीडियोज देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। बॉर्डर बनाने के बाद पहले लाइन में हम सभी फंदे सीधे बना लेंगे। ये हमारे डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये बेस लाइन है। तो हम सभी फंदे सीधा बुन लेंगे। अब हम रॉन्ग साइड में हैं और यहाँ से अब हमारा डिज़ाइन शुरू होता है। तो डिज़ाइन का पहला लाइन और रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा उल्टा बुनेंगे या स्लिप कर लेंगे। अब हम उल्टा फंदा बुनते हुए सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए 3 फंदे बना लेंगे। 1, 2 बार लपेटा, उल्टा बुन लिया, 2, सिलाई में 2 बार ऊन लपेटा, उल्टा बुन लिया, 3। तो हमने 3 फंदे सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुन लिया, और चौथे फंदे को हम नॉर्मली उल्टा बुनेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी सिलाई में दोहराना है। 3 फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है। और चौथे फंदे को नॉर्मली उल्टा। 3 फंदा सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनना है। और ये एज स्टिच है, इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब ये डिज़ाइन का दूसरा लाइन है और सामने से। तो पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे। अब लपेटे हुए 3 फंदों को खोलेंगे, उनको घुमा के वापस अपनी ओर लाएंगे, तीनों फंदों को बाएं सिलाई में लेंगे, उनको वापस दूसरी तरफ करेंगे, तीनों फंदों को दाहिनी सिलाई में लेंगे, उनको वापस घुमा के अपनी तरफ लाएंगे, और तीनों फंदों को हम दूसरी सिलाई में लेंगे और उनको वापस दूसरी तरफ। तो हमने इन 3 फंदों के चारों तरफ 2 बार धागा लपेट लिया है। अब इन्हें हम वापस दाहिनी सिलाई में कर लेंगे और अब ऊन को अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है, उनको दूसरी तरफ करना है, 3 लपेटे हुए फंदों को खोलना है और इनके चारों तरफ हमें 2 बार धागा लपेट लेना है। 1 हो गया और 2 बार। अब उनको वापस अपनी ओर लाएंगे, अगला फंदा इसे हम उल्टा बुन लेंगे, उनको दूसरी ओर करेंगे, 3 लपेटे हुए फंदे खोलेंगे, इनके चारों तरफ हमें 2 बार धागा लपेट लेना है। और लास्ट फंदा एज स्टिच है, तो इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा 2 लाइन कंप्लीट हो गया। रॉन्ग साइड में हम अब अपना दूसरा कलर अटैच करेंगे। तीसरी लाइन में हम दूसरा कलर अटैच कर लेंगे और थोड़ा सा चेंज करते हुए अपने पहले लाइन को ही दोहराएंगे। तो पिछली लाइन में हमने 1 फंदा सीधा, 1 फंदा उल्टा बुना था, इस बार हम 3 फंदे उल्टा बुनेंगे, 2 और 3। उसके बाद अगले 3 फंदे हम सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा बुनेंगे, 2 और
3, चौथे फंदे को नॉर्मली उल्टा, फिर अगले 3 फंदे सिलाई में 2 बार ऊन लपेटते हुए उल्टा। चौथे फंदे को उल्टा, तो हमारा 3 लपेटा हुआ फंदा और 1 फंदा उल्टे का क्रम चलने लगेगा। शुरुआत में हमने 3 फंदा उल्टा बुना था, तो लास्ट में भी हमारा 3 फंदा उल्टा ही आएगा। 3 फंदा उल्टा, 3 लपेटे हुए फंदों के बाद लास्ट में 3 फंदा आएगा जिसे हम नॉर्मली उल्टा बुन लेंगे। अब ये डिज़ाइन का चौथा लाइन है और सामने से तो 2 फंदे, पहला फंदा हम स्लिप कर लेंगे, अगला फंदा हम सीधा बुन लेंगे। अब ऊन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, ऊन दूसरी ओर करेंगे, 3 लपेटे हुए फंदे खोल लेंगे और इन तीनों लपेटे हुए फंदों के दोनों ओर हम इन लपेटे हुए फंदों के चारों तरफ हम 2 बार धागा लपेट लेंगे। तो ये हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, 3 लपेटे हुए फंदे खोलेंगे, इनके चारों तरफ हम 2 बार धागा लपेट लेंगे। उन अपनी ओर करेंगे, अगला फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे और ये लास्ट में 2 फंदे आएंगे जिन्हें हम सीधा बुन लेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये देखिए, ये फंदा हमने उल्टा बुना था और 3 फंदों को हमने लपेटा था। 3 फंदों को उल्टा बुनते हुए हमने लपेटा था और अगला फंदा नॉर्मली उल्टा बुना था। तो दूसरे कलर का ऊन, दूसरे कलर के ऊन में इस उल्टे फंदे का को और साइड से एक एक फंदा लेंगे। इन 3 फंदों को देखिए, हमने ये लपेटा हुआ है और लपेटे हुए फंदे के बीच वाला फंदा यानी दूसरे फंदे को हमने उल्टा बुना है। अब इधर देखिए, ये दोनों फंदे जो हैं वो एच के फंदे हैं और ये 3 फंदों में से ये किनारे का फंदा है, तो ये दोनों फंदे सीधे हो गए और ये बीच का फंदा है यानी दूसरा फंदा है, तो ये उल्टा हो गया है और 3 फंदे, ये उल्टा फंदा और साइड से एक एक फंदे लेकर 3 फंदा हमने लपेट लिया है। तो इन्हीं चारों लाइनों को हमें पूरे स्वेटर में दोहराना है। तो इन्हीं चारों लाइनों को दोहराने से देखिए कितना खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हीं चारों लाइनों को दोहराने से कितना खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जा रहा है। तो सामने से ये ऐसा है और रॉन्ग साइड से देखिए ऐसा, सुंदर से देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन है। आशा है आपको पसंद आया होगा। तो यदि आपको डिजाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिजाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।